डियर स्टूडेंट्स, बच्चे आज के इस लेक्चर में हम रेशियो फार्मूला करेंगे और इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हैं 7.1 में वो करेंगे। तो बच्चे ये रेशियो फार्मूला है, इसको प्रूव करना आप लोगों ने। तो देखिए रेशियो फार्मूला क्या कहते हैं कि अगर आपके पास आर है, ये रेशियो है, आपके पास पी और क्यू गिवन होगी और हमने सिचुएशन वेक्टर का आर को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले बात बच्चे इसमें प्रूव में लिखेंगे, हमारे पास गिवन वैल्यू क्या होगी, लेट ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। पॉइंट्स आपके पास गिवन है, उनके पोजीशन वेक्टर आपके पास स्मॉल ए और स्मॉल बी है, ये वैल्यू बच्चे आपके पास है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं तो लेट करें कि आपके पास पॉइंट जो है, ये आपके पास पॉइंट ओरिजिन ओ है और ये आपके पास पॉइंट बी है और दूसरा वेक्टर आपके पास किस तरह से है और ये आपके पास पॉइंट ए है। क्या किया बच्चे, सिर्फ हमने कि आपके पास पॉइंट ओ है, ओरिजिन ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रा किया यहाँ पे बी तक और यहाँ पे पॉइंट ए तक एक वेक्टर ड्रा किया है। इसका पोजीशन वेक्टर हम स्मॉल ए यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो स्मॉल बी है और ये यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद बच्चे हमें पता है इसका ये रिजल्टेंट जो है ये आपके पास आता है रिजल्टेंट। अच्छा ए बी आपके पास है, जो ए बी का जो गिवन है आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे एक पॉइंट किस तरह से ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी को एक पॉइंट पी इस तरह से कट करेगा, एक पॉइंट है ये जो लाइन सेगमेंट है ये पी इसको कट कर रहा है। देखिए ये जो पॉइंट था आपके पास ए बी पे, इस लाइन सेगमेंट को ए बी को इस लाइन ए बी को ये जो है एक पॉइंट पी कट कर रहा है, किस पॉइंट पे, इस पी पे। और उसकी रेशियो क्या है कि हमने क्या किया, लेट किया कि ये पॉइंट पी है, ये रेशियो कौन सी से कट कर रहा है, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू। ये जो यहां से लेके यहां तक लेंथ है बच्चे, ये कौन सी है क्यू, यहां से लेके यहां तक लेंथ ये कौन सी है पी। तो कहता है ओ पी जो है इस ए बी को पॉइंट पी पे कट करता है और इसकी रेशियो कौन सी आ जाती है, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू, ये वैल्यू आपके पास इसकी आ गई। अच्छा बच्चे हमने क्या करना है, हम इसकी रेशियो निकाल लें। देखें हम क्या करेंगे फार्मूला प्रूव करने के लिए, हमारे पास हमें पता है कि यहाँ पे ए बी ये जो लेंथ ए बी है और इसकी रेशियो किसके साथ, पी बी के साथ रेशियो है, ये क्या है पी बी के साथ रेशियो किसके इक्वल है, ए बी को मैंने क्या नाम दिया है, ये स्मॉल पी, यहाँ पे करेंगे कि स्मॉल पी, रेशियो का साइन वैसे का वैसा, और पी बी को मैंने क्या नाम दिया क्यू, यहाँ पे क्या लिख देंगे स्मॉल क्यू, ये वैल्यू आपके पास आता है। अब इसे नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो ए बी है और ये जो पी बी है ये रेशियो के मुताबिक हमने पी क्यू लेट की है, यहाँ पे इक्वल की दूसरी साइड पे पी क्यू लेट की। अब हमने क्या करना है, हम अगर रेशियो को लिखना चाहें तो ए पी ओवर क्या लिख सकते हैं, ये पी भी लिख सकते हैं और इस तरह से इसका मतलब है कि ये लाइंस हैं वेक्टर्स हैं। तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, इस तरह से रेशियो है तो इसको डिवाइड के फॉर्म में यहां पे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू किसकी है, ये पी ओवर क्यू यहां पे आ गया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए पी को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, लेंथ आपके पास ए पी जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल टू किसके है, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल पी और बी इसके साथ भी जो वेक्टर है इससे मल्टीप्लाई होता है। अब बच्चे देखिए आपके पास ए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां पे ए बी आपके पास है, ये जो आर मैंने यहां पे इसको नाम देने के लिए आर है, ओ बी जो है इसकी लेंथ क्या नाम दिए आर। आप लोगों ने क्या किया, इस ए बी को चेक करें बच्चे, हमने कहा था अगर आपके पास ए बी है तो पी वाले पॉइंट में से ए वाले पॉइंट को माइनस करना होता है, आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना, क्यू आर माइनस क्यू ए इज
इक्वल टू पी बी माइनस पी आर, ये वैल्यूज आ गई। बच्चे हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पे चाहिए, लेकिन हमें आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो आर वाले वैल्यूज है एक साइड पे कर देंगे, क्यू आर ये पी आर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस पी आर इक्वल टू पी बी, और ये जो क्यू ए है ये माइनस हो जाएगा उधर जाके आ जाएगा प्लस क्यू ए। तो ये बच्चे वैल्यू आपके पास आ गई। अब यहाँ से आर कॉमन निकाले, आर कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्यू प्लस बी आ जाएगा इक्वल टू किसकी है पी बी प्लस क्यू ए डिवाइडेड। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ये जो वेक्टर हमने यूज किए यहाँ पे ए बी ये पोजीशन वेक्टर है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये भी आर है अपनी पोजीशन वेक्टर, तो हम यहाँ पे इसको वेक्टर के नोटेशन में लिखेंगे। तो ये जो वैल्यू आपके पास आर है इक्वल टू किसके आ जाएगा पी बी प्लस क्यू ए, ये वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाई क्यू प्लस बी। तो बच्चे ये मामला हमारे पास शुरू हो गया, क्या वैल्यू आई थी क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू किसके इक्वल है ये आर के इक्वल है। रेशियो जब गिवन हो तो हमने ये फार्मूला यूज करना है। आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन में होगा कि दो वेक्टर के पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे और इसके बाद उसके रेशियो गिवन होंगे, तो हमने इस फार्मूले से क्वेश्चन को करना है। तो बच्चे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7.1 का एक्सरसाइज 7.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 12 का देता है। वो कहता है पॉइंट सी है और पॉइंट सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो 2π - 3j एंड पॉइंट डी का जो पोजीशन वेक्टर है वो 3i + 2j इन द रेशियो 4 और 3 है। रेशियो आपके पास क्या है, उसको सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमारे पास रेशियो भी गिवन है और इसके पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा r = किसके आएगा। बच्चे यहां पे देखिए b वैल्यू यूज हुई है और यहां पे हमारे पास c और d है, तो हम क्या करेंगे यहां पे लिख सकते हैं कि p c ये जो वैल्यू आपके पास है प्लस क्यू उसे पी डी और उसके बाद क्यू के साथ कौन सी वैल्यू स्मॉल डी यहाँ पे लिखे और क्यू के साथ कौन सी वैल्यू है ये आपके पास स्मॉल सी आ गया डिवाइडेड बाय किससे आएगा पी प्लस क्यू। सिर्फ क्या किया हमने रिप्लेस किया है जो सी डी है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है स्मॉल सी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है स्मॉल डी, तो हमने उसी सीक्वेंस से लिखा है पी बी है तो सी डी को हमने क्या सीक्वेंस सी डी है डी बात क्या था हम यहाँ पे ए बी की तरह यहाँ पर डी लिख लेंगे स्मॉल डी और इधर ए है तो इसकी जगह पे स्मॉल सी लिख लेंगे। अब इसके बाद पी क्यू वैल्यू आपके पास है, पी क्यू वैल्यू क्या है हम लिखेंगे सी स्मॉल सी इसकी इक्वल है ये वैल्यू आपके पास है 2i - 3j और इसी तरह आपके पास जो डी है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है डी इज इक्वल टू ये है 3i + 2j की वैल्यू आपके पास। इसी तरह बच्चे पी क्यू की वैल्यू से डी है इसने रेशियो क्या गिवन किया यहां पे 4 और 3 इसका मतलब ये रेशियो है पी क्यू की रेशियो इज इक्वल टू 4 एंड 3 है, तो आपके पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं r इज इक्वल टू किसके आएगा पी की वैल्यू क्या है 4 * d की वैल्यू क्या है d की वैल्यू 3i + 2j है और प्लस q की वैल्यू आपके पास यहां पे गिवन है वो क्या है 3 * इसके बाद वैल्यू c की है तो c की वैल्यू 2i - 3j है, ये वैल्यू आप लोग पुट करते हैं डिवाइड करते हैं किसके साथ 3 + 4 क्या आंसर देगा 7 इक्वल टू किसके आएगा बच्चे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12i + 8j + 6i - 9j/7 किसके इक्वल है जी 12 पाई है पाई वाला कंपोनेंट पाई में प्लस हो जाएगा 12 और 6 कितने होंगे 18i + 8j - 9j तो -j/7 ये आपके पास क्या है इसका पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं 18/7i - 1/7j तो ये बच्चे पहले भी आ गई आपके पास था कि जब रेशियो गिवन हो दो वेक्टर की पोजीशन गिवन हो तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेकंड पार्ट से आप लोगों ने इसका प्रूफ करना है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बच्चे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 14 को हम करने जा रहे हैं। इसकी सॉल्यूशन क्या है, कहता है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, क्या कहता है ट्रायंगल के मिड पॉइंट है दो साइड्स हैं ट्रायंगल की और उनके मिड पॉइंट को जो लाइन जॉइन कर रही है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज वेल, जितनी उसकी लेंथ है वो उसके पैरेलल है और जितनी उसकी लेंथ है उसके हाफ होगी। जैसे बच्चे हम यहां पे ट्रायंगल बनाते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल होगी पहली बात ये है, इसके बाद क्या होगा उन ट्रायंगल को लेट करते हैं यहां पे पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है ये पॉइंट सी है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है स्मॉल बी इसको लेट करते हैं इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है और इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, तो बच्चे ये वो कहते हैं कि
जैसे एक साइड ये कंसीडर कर ली, तो एक साइड ये कंसीडर कर ली, हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया ये वाला पॉइंट। इसी तरह हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया ये वाला पॉइंट, तो हम इसको नाम देते हैं, ये आपके पास पॉइंट डी है और ये आपके पास पॉइंट ई है। तो बच्चे ये जो मिड पॉइंट आपके पास आ गए हैं, कहते हैं ये जो लाइन इसको ज्वाइन करेगी, ये जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है, कहते हैं ये लाइन इस थर्ड साइड के पैरेलल है, पैरेलल से मतलब स्केलर मल्टीपल्स हैं एक दूसरे के लिए, पैरेलल है। और इसके बाद क्या कहते हैं कि ये जो है हाफ है उसके, जितनी इसकी लेंथ है उसकी ये हाफ होगी। तो बच्चे डी पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ए और सी का मिड पॉइंट हमने डी पॉइंट किया, तो डी आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, डी आपके पास वैल्यू आएगी ए और सी को प्लस करें। जैसे कोई लेंथ आपके पास है ए, यहां पे लिखते हैं जिस ए और ये बी है, हमने यहां पे मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से हम लिखते हैं स्मॉल ए प्लस स्मॉल सी डिवाइडेड बाय 2, तो बच्चे ये पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा डी। इसी तरह से बच्चे अगर ई पॉइंट फाइंड करना है तो किसके इक्वल आएगा, ए और बी को प्लस कर देंगे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चे 2, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी ई। तो बच्चे हमने प्रूफ क्या करना है, सॉल्यूशन में वैल्यू क्या निकालनी है हमने, कि ये जो ई डी है इसके पैरेलल है, हमें हमने शो करवाना है कि ई डी जो है ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ये बी सी के पैरेलल है। और दूसरी बात एंड हाफ एज लॉन्ग, जितनी बी सी है तो उसके ये जो ई डी है हाफ होगी। तो बच्चे ई डी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ई डी की वैल्यू क्या आएगी, ई डी की वैल्यू आपके पास आएगी डी वाले पॉइंट में से हमने वाले पॉइंट को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस c डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्या वैल्यू आएगी a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू क्या आपके पास आ जाएगी यहां पे 2 a प्लस c माइनस a माइनस b, ये a वाली वैल्यू a से कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आपके पास क्या आएगा c माइनस b डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे ये वैल्यू किसकी आ गई, ये e b की वैल्यू आपके पास ही आ गई। अभी हमने कौन सी वैल्यू निकाली है, bc की वैल्यू निकाली है, BC की वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे, BC किसके इक्वल आएगा, BC इज इक्वल टू C वाले पॉइंट में से हमें B को माइनस करना है, तो BC आपके पास है यहां पे सबसे छोटा कट गया है, C इसका सबसे छोटा कट गया है, B स्मॉल C माइनस स्मॉल B ये वैल्यू आपके पास आ रहा है। तो बच्चे उसने क्या कहा था कि ये जो हमने प्रूव करना था हाफ एज लॉन्ग, उसने कहा था ये जो BC है उसके ये वाली लेंथ क्या होगी हाफ होगी। तो देखिए आपके पास की वैल्यू क्या आई है, वैल्यू बच्चे आई है ए इज इक्वल टू 1/2 सी माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, सॉरी सी माइनस बी के वैल्यू आपके पास आ गई, तो सी माइनस बी किसके इक्वल है बी सी के, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास ई डी की जो वैल्यू है इज इक्वल टू 1/2 या आपके पास आ जाएगा बी सी, बी सी के इक्वल आ गया, ई डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो ई डी है ये बी सी के हाफ है, और ये बच्चे एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल था, 1/2 के